हेलो क्लास एट, आज हम पढ़ेंगे दुर्बलाना बलम युक्ति। एकदा कस्मिन क्षेत्र एका गर्दभ त्रीणि चरन्ति स्म। एक बार एक खेत में एक गधा तिनका चर रहा था या घास चर रहा था। तभी एका क्षुधित भूखा व्याघ्र महा आया। तत्रा गक्षन ता हंतु च उद्यतो भवत। व्याघ्र दृष्ट्वा तस्मा भीत। व्याघ्र तत्रा गच्छ ता हंतु, और उसको देख करके उद्यतो भवत। देख करके व्याघ्र दृष्ट्वा व्याघ्र को देख तस्मात् भीत गर्दभा एका युक्ति नाम अचिंतयत। उसे एक युक्ति समझ में आई। स पृष्ठपादेन पंगुरु चलितु मार्भत। वह अपने पिछले पैर से पंगुरित लंगड़े की तरह चलने लगा। गर्दभ ईदृशम अवलोक्य व्याघ्रत तम उपगम्य अपृक्षत। गर्दभ को इस दशा में देखकर व्याघ्र तम उपगम्य। व्याघ्र उसके पास आके अपृक्षत बोला, भो किम तुम पंगुरसि, क्या तुम लंगड़े हो? गर्दभ अकथ्यत, ना अहम तो पंगु नहीं हूँ। व्याघ्र उक्तवान, तहित कीमत पंगु सदृश लसी, तब तुम क्यों पंगु सदृश चलसी, पंगु जैसे चल रहे हो, तुम लंगड़े जैसे क्यों चल रहे हो? तब गर्दभ ने कहा, मम पृष्ठपादे एका वृहत कंटकोस्ति। मम पृष्ठपादे पीछे के पैर में एका वृहत एक बड़ा कांटा है। चुप गया है। यस्य पीडिया उसके दर से अहम सम्यक रूपेण चलतु न शक्नोमि। मैं सम्यक रूपेण सही रूप में या पहले जैसे चलितु न शक्नोमि, नहीं चल सकता। केनापि प्रकारेण अहम शांति न लभे। केनापि प्रकारेण मुझे किसी प्रकार से शांति नहीं मिल रही। व्याघ्र ने कहा, माँ चिंता मत करो, शीघ्रमेव अहम त्वा खादित्वा त्वं वेदना सर्वथा दूर करिष्यामि। मैं शीघ्र जल्दी ही तुम्हें खा लूँगा और तुम्हारी वेदना को सर्वथा हमेशा के लिए दूर करिष्यामि कर दूंगा। गर्दभ ने उत्तर दिया, अहम तो जानता हूँ, परम महा त्वा सावधानम करूँगी। हैं, मैं जानता हूँ कि आप मुझे खा जाओगे, लेकिन मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ। ये चालाक था, इसने बलवान को दुर्बल ने बलवान को युक्ति से जीता, अपनी समझदारी से जीता। तो उसने कहा कि मैं तो जानता हूँ कि आप मुझे खा जाएंगे। तब उसने कहा कि विशाल कंटकीन सावधान करो मी मैं लेकिन आपको मैं सावधान कर देता हूँ कि यत इस तरह से मेरे पाद स्थितेन मेरे पैर में स्थित विशाल कंटकीन तव कंठो विद्ध आपका गला छेद देगा। जो इतना बड़ा कांटा है मेरे पैर में, अगर आप मुझे खाओगे तो वो आपके गले को घायल कर देगा। भविष्यति मतलब भविष्य में कर सकता है। त्वं च पीड़ा प्राप्यसी जिससे आपको बहुत पीड़ा होगी। अतः सर्वप्रथम मम पादात एतत् कंटम अपसारे, तो इसके लिए आप सबसे पहले ऐसा करिए कि मेरे पैरों के कांटों को निकाल दीजिए। तत्पश्चात माँ भक्ष्य, उसके बाद आप मुझे खा लीजिएगा। तो व्याघ्र अचिंत्यत, व्याघ्र चिंता से बोला, एषा तो उचित वदति। व्याघ्र ने कहा कि हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो।
अगर मैं तुम्हें खाऊंगा तो तुम्हारे पेट का, तुम्हारे पैर का कांटा भी खा जाऊंगा और मेरा गला कट जाएगा। इस तरह से मुझे कष्ट होगा, दर्द होगा। तो तुम्हारी बात उचित है कि पहले मैं तुम्हारा कांटा निकाल देता हूँ। तो अहम प्रथमम एतत् कंठस्य निष्कासनं करिष्यामि। तो पहले मैं तुम्हारे कांटे को निकालता हूँ, पश्चात एतत् खादिष्यामि, उसके बाद मैं तुम्हें खा लूँगा। तो इति निश्चय कृत्वा, यही निश्चय करके व्याघ्र ने क्या क्या किया, गर्धव्य पृष्ठत स्थितवान, गर्धव्य की पीठ पर, व्याघ्र गधे की पीठ पर उसने कहा कि आप पहले, मतलब कि आप ऐसे बैठिए, मैं आपके पीठ पर पैर रखता हूँ। गधे ने कहा कि पैर रखता हूँ तब आप मेरा कांटा निकाल पाओगे। तो इस तरह गर्धव्य पृष्ठत स्थितवान, व्याघ्र की पीठ पर गधा बैठा। इस तरह जब वो व्याघ्र बैठा, क्या कस्मिन पादे पीड़ास्ति, उसने कहा कि तुम्हारे किस पैर में पीड़ा है। सोय वदत, अहम पादम उत्थाय पायामि, मैं अपने पैरों को उठाऊं तो स्वयमेव स्वयमेव निरीक्षण करूं, मैं तुम्हारे पैरों को उठाता हूं और निरीक्षण। इत्युक्ता गर्धव्य स्वं प्रतिपादम उपरि अक्रोत, ऊपर करता है यावत् व्याघ्र, जैसे ही व्याघ्र पादस्य पैरों का निरीक्षण करता हूँ, नतवान तादेव, तैसे ही वो तभी गर्धव्य वेगेन, वेग से मतलब बहुत तेजी से स्वपादेन अपने पैर को झटकता हुआ तस्य मुख परी, उसके मुख पर मार करके, तीव्र प्रहार करके कृतवान कहता है कि व्याघ्र भूमौ करता है और व्याघ्र जमीन पर गिर जाता है। तस्य मुखात नासिकाया, उसके मुंह और नाक पे चार रुधिर मिश्रित रक्त बहता है। गर्धव्य अपि स्वरक्षाय, गर्धव्य कहता है अपनी स्वरक्षा, तक्षमेव क्षेत्र क्षेत्रात्नि, रक्षा करते हुए क्षेत्र से दूर चला जाता है। आत्मान च अरक्ष, और लंबी सांस लेता है। सत्यमेव उच्यते यत, सत्य ही है। युक्त्या सबल पराजित, युक्ति के द्वारा, समझदारी के द्वारा बल वालों को पराजित किया जा सकता है, समझदारी से बल वालों को पराजित किया जा सकता है।